कि डरपोक मौत फिर नहीं गई सरहद पर, शहादत ने फिर अपने हाथों लिया ये काम है। डरपोक मौत फिर नहीं गई सरहद पर, शहादत ने फिर अपने हाथों लिया ये काम है। शहादत मिलती नहीं, कमानी पड़ती है, एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। बाप के सीने पे बोझ रखना पड़ता है, माँ की कोख सुलगानी पड़ती है। शहादत मिलती नहीं, कमानी पड़ती है, बीवी को बेवा करना पड़ता है, बच्चों के सर से छत हटानी पड़ती है, क्योंकि शहादत मिलती नहीं, कमानी पड़ती है। और जब मैं इसको लिख रहा था तो एक बोझ था मेरे दिल पे, एक दुख था कि जब भी लिखा गया भाई बहनों पे बहुत कम लिखा गया, जबकि ये देखा जाए तो सबसे जो मोहब्बत का रिश्ता वो भाई बहन का होता है और हमेशा रहता है। तो उस पर लिखा था, एक अपने कुछ ख्याल लिखे थे उस पर इसी कविता में, कि भाइयों और बहनों पे कुछ ऐसा जुल्म ढाना होता है, भाइयों और बहनों पे कुछ ऐसा जुल्म ढाना होता है, उन्हें रोते छोड़ना है, उन्हें ही सबको मनाना होता है। अब आखिरी बार ऐसा ठगूंगा उनको, क्योंकि भाई बहन का रिश्ता ही ऐसा होता है, लड़ते झगड़ते रहते हैं, आखिरी बार ऐसा ठगूंगा उनको, शाबाशी सारी मेरी होगी, बोझ मैं अपना सब दूंगा उनको। घर की जिम्मेदारियां भुलानी पड़ती हैं, सांसे अपनों की सिसकती छोड़ जानी पड़ती है, क्योंकि शहादत मिलती नहीं, कमानी पड़ती है। और इसी के साथ एक ख्याल लिखा था जो मैं पढ़ना ज़रूरी समझता हूँ, एक शहीद और एक तिरंगे के बीच का एक रिश्ता लिखने की कोशिश की थी। तो ऐसा था कि मैंने जीते जी लहराया तिरंगा बहुत, अब तिरंगे को अर्थी मेरी सजानी होगी। मैंने जीते जी लहराया तिरंगा बहुत, अब तिरंगे को अर्थी मेरी सजानी होगी। मैंने तिरंगे के लिए घूमे पहाड़ समंदर और जंगल बहुत, अब तिरंगे को मेरी अर्थी मेरे घर तक पहुँचानी होगी। चलना पड़ेगा तिरंगे को साथ मेरे घर के शमशान तक, और फिर कवियों को इससे कविताएं बनानी होंगी। थोड़ी घर की मिट्टी मेरी जेब में रख देना माँ, बताऊंगा खुदा को अगली कहानी मेरी फिर इसी मिट्टी से बनानी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, तो अपनी जगह लेता हूँ इसी के साथ, शुक्रिया।